नमस्कार। अगला सैम हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की आरोह, और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसकी 9वीं कविता, जिसका शीर्षक है सबसे खतरनाक, जिसके लेखक है अवतार सिंह पाश। तो बच्चों, ये जो कविता है ये पंजाबी भाषा से अनुदित है, मतलब इसको ट्रांसलेट किया गया है। यह दिनों दिन अधिकाधिक नृशंस और क्रूर होती हुई दुनिया की विद्रूपताओं के चित्रण के साथ साथ उस खौफनाक स्थिति को भी की ओर भी इशारा करती है, जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण होते चले जा रहे हैं। पथराई आंखों से तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता की ओर विशेष संकेत करता है, जहां आत्मा के सवाल बड़े बेमानी हो जाते हैं। तो यानी जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। आप ये समझ लीजिए, ये दोस्त कुछ स्थितियां बताएगा और उन स्थितियों का वर्णन करते हुए बताएगा कवि कि देखो, ये सबसे खतरनाक नहीं है, ये भी सबसे खतरनाक नहीं है, ये भी सबसे खतरनाक नहीं है। फिर दूसरे पद्यांश से वो शुरू करेगा कि सबसे दुखद बातें क्या है हमारे जीवन की और हमें उन्हें किस प्रकार से दूर करना चाहिए। ठीक है, तो ये पहले पद्यांश में तो बता रहा है कि देखो, ये बातें तो मुझे इतनी खतरनाक नहीं लगती, जो साधारण जनता के लिए बड़ी को लगती है कि ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। तो कवि कहता है कि ये उतनी खतरनाक नहीं है जितनी दूसरी बातें खतरनाक है। तो आइए पढ़ते हैं जो है ये सबसे खतरनाक कविता का नाम है हमारी, और चलते हैं। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़ा जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। यानी मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, यानी किसी की मेहनत की कमाई का दिन दहाड़े लूट जाना क्या सबसे खतरनाक स्थिति है? हमें तो लगता है हाँ है, पर कवि का क्या कहना है? कह रहा है नहीं, ये सबसे खतरनाक स्थिति नहीं है। पुलिस की मार, कह रहा है आप कसूर है आपका या कसूर नहीं है, आप दोषी हैं अथवा दोषी नहीं है। अगर आपको कभी पुलिस की मार खानी पड़ जाए तो क्या वो सबसे खतरनाक होती है? तो कह रहा है नहीं। कवि कहता है मेरी दृष्टि में वो भी सबसे खतरनाक नहीं है। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कह रहा है कि किसी के साथ बैठे बिठाए पकड़े जाना, मतलब किसी के साथ घबराज, किसी के साथ गद्दारी करना, लोभवश रिश्वत ले लेना, क्या ये पकड़े जाना बुरा है? कह रहा हाँ, बुरा तो है लेकिन फिर भी सबसे खतरनाक तो नहीं। फिर वो कहता है क्या है, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पढ़ना बुरा तो है, मुठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि जो कपट का शोर है, यानी छल कपट में के माहौल में जब सच्ची बातें छुप जाती हैं, तो ये सब बातें बुरी तो जरूर है लेकिन क्या सबसे खतरनाक है? कह रहे नहीं। कभी कभी क्या होता है, हमें जुगनू की लो में पढ़ना पड़ता है, यानी हमारे पास साधन नहीं है फिर भी हमें अपनी शिक्षा को प्राप्त करना है। एक बच्चे जो है बेचारा कोई मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा, जुगनू की रोशनी आप यही समझ लीजिए, जुगनू जो होते हैं उनमें लाइट जलती है ना रात को, जो छोटे छोटे जुगनों की रोशनी, उसमें पढ़ेंगे कैसे? इसका मतलब क्या है, ये इससे कहना चाहता है कवि कि साधनहीन होकर काम करना बहुत मुश्किल है। कह रहा हाँ कठिन तो है पर खतरनाक नहीं है। मुट्ठी बीच कर बस वक्त निकाल लेना, यानी विवशता वश अन्याय को सहना, ये भी बुरा तो है पर खतरनाक नहीं है। अब ये बताएगा अगले पद्यांश में, तो फिर ऐसा क्या है जो खतरनाक है? सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। यानी सबसे खतरनाक क्या कह रहा है? वो कह रहा है मुर्दा शांति से भर जाने का मतलब क्या है कि जीवन के उल्लास और उमंग से मुंह मोड़कर निराशा और अवसाद में बैठ जाना, सन्नाटे में गिर जाना, ये बात सबसे बुरी है। फिर न होना तड़प का सब सहन कर जाना, यानी कह रहा है उसके बाद कह रहा है यदि आप मूक दर्शक बनके सब कुछ सहन करते रहते हैं, गलत बात का विद्रोह ही नहीं करते, विरोध ही नहीं करते, मुर्दे की तरह बैठ जाते हैं, ये बहुत खतरनाक है। घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आ जाना, यानी एक बिल्कुल रटी रटाई दिनचर्या पे आप चलते रहते हैं
और धरने पे चलते रहते हैं, यानी घर से निकलेंगे काम पे और काम से लौट के घर आ जाएंगे, आपने जीवन में कुछ विशेष हासिल नहीं किया, ये खतरनाक है। सबसे खतरनाक है हमारे सपनों का मर जाना, यानी कि और सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है जो आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी हुई होती है, यानी यदि आपके जीवन का मशीनीकरण हो गया है, सपने मर गए हैं, जीवन में कुछ नयापन नहीं रहा है, सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं, और उससे भी खतरनाक कि आपकी कलाई पे जो भरती हुई घड़ी है उसको सामने चलता हुआ देखकर यदि आप सोचते हैं कि जीवन स्थिर है, यानी दूसरे शब्दों में नित्य नए जो परिवर्तन हो रहे हैं या परिवर्तन किए जाने चाहिए, हम उसको अपना ही नहीं रहे, हम अपनी लकीर पीटे चले जा रहे हैं, ये है खतरनाक बात। ठीक है, मतलब अब आप कहोगे ये कैसे लकीर पीटे जा रहे हैं। देखो, मेरे समय में और आपके समय में अंतर है, और किस प्रकार से अंतर है कि आपकी सोच और मेरी सोच हो सकता है कि वो मैच ना भी हो, लेकिन मुझे अगर मैं आपका नजरिया नहीं देख पाती, मैं सोच ही नहीं पाती एक आज के विद्यार्थी की समस्याओं से, एक आज के विद्यार्थी की मनस्थिति क्या है, तो क्या है ये बात खतरनाक है मेरे लिए। मैं कहती हूँ ऐसे माता पिता और ऐसे अभिभावक खतरनाक हैं सोसाइटी के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो दूसरे का परसेप्शन ले ही नहीं रहे ना, ऐसे ही लोगों की बात कर रहे हैं ये, समझ गए। तो आपको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि कैसे हमें दूसरे का नजरिए को भी अपनाना आना चाहिए। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। अब क्या क्या कह रहा है कि मुझे सबसे खतरनाक वो आंख लगती है जो सामने हो रहे अन्याय को बिल्कुल संवेदना शून्य होकर देखती रहती है, जैसे कि उसमें बर्फ जमी पड़ी है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जिन नजरों में प्यार ही नहीं है, हमेशा क्या रहता है, चीजों से उठती अंधेपन की भाव पर लुढ़क जाती है, यानी वो हर चीज को घृणा से देखते हैं जो लोग। अंधेपन की भाव क्या है, हर चीज को घृणा से देखना अगर जिन्हें आता है वह नजर सबसे खतरनाक। आपको अपने जीवन में ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, आप उनके सामने कोई भी सकारात्मक काम कीजिए, आप कितना ही क्रिएटिव काम कीजिए, और वो उसमें से ऐसा दोष निकाल के आपके सामने, वो कहते हैं विवेकानंद कहते थे कि जो मक्खी है ना वो हर जगह से में ना गंदगी ढूंढ ही लेती है और जाके उस गंदगी पे बैठ जाती है। तो मक्खी जैसा स्वभाव हमें नहीं बनाना है कि अच्छे में से भी आपके पूरे शरीर में जहां पर भी उसको लगेगा कुछ गंदगी है वहां जाके चिपक जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं बनना कि मक्खी जैसा स्वभाव नहीं बनाना है हमको कि हर जगह अच्छाई में भी गंदगी ढूंढना, ये बुरे लोगों की पहली पहचान होती है। और हमारी सोसाइटी, हमारे जान पहचान के लोग, ऐसे आपको बहुत सारे लोग होंगे कि आपने 100 काम अच्छे किए होंगे, वो आपका जो 0.5 आपका गलत काम है वो उस पर पकड़ के और वो आपको उस पर जलील करने में अपना उनको खुशी हासिल होती है। तो लेखक क्या कहता है, कवि क्या कह रहा है, ऐसे लोग खतरनाक है। फिर जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलट फेर में खो जाती है, कह रहे वो जिंदगी जो रोजमर्रा के क्रियाकलापों में संवेदनहीनता से भटकती सी रहती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीनों की अपनी दिनचर्या को निभा रही है, ऐसे जीवन खतरनाक है। ऐसी आंखें खतरनाक है जिनमें मोहब्बत नहीं है, ये बहुत सुंदर है इनका, और जो है भाषा में बहुत व्यंजना प्रधान है, अंधेपन की भाव में रूपक अलंकार। ठीक है, खड़ी बोली का प्रयोग है ये तो आप जानते हैं। आगे चलते हैं। खतरनाक है, सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मर्सीय पड़ता है, मर्सीय मतलब मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत। यानी खतरनाक गीत क्या है कि जो ऐसे लोग बहुत खतरनाक हैं जो मनुष्य के हृदय में शोक की लहर दौड़ाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, यानी शोक की लहर क्या होती है, जो गीत मृत्यु पर गाए जाते हैं, यानी उन्हें भयभीत लोगों को डराने में बहुत मजा आता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बहुत सारे तो नहीं है वो, मैं गलत कह रही हूँ, ऐसे कुछ लोगों को मैं जरूर जानती हूँ कि जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सिर्फ लोगों को डराना धमकाना और ऐसा रखा हुआ है कि जब वो दूसरा कोई उनके लिए रोए, यानी उनकी वजह से रोए, तो उनको बहुत सुकून हो जाता है। अगर उन्होंने एक दिन में 4 लोगों को रुलाया नहीं तो उनको लगता है उनका जीवन सार्थक ही नहीं है। तो ऐसे लोग सबके जीवन में होते हैं, हमें ऐसे लोगों को बहुत ही ध्यान से देखकर और उन लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये कह रहा है
ऐसे लोग, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है, ऐसे लोग सबसे खतरनाक है। यानी जो पहले से भयभीत है उनको और भयभीत करके उनको आनंद की प्राप्ति होती है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है। यानी कह रहा है जब जो आत्मा के आसमान पर निराशा रूपी रात्रि का घना अंधेरा जब छा जाता है, यानी उसमें कोई उत्साह नहीं रहता, ऐसी रात बहुत खतरनाक होती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौगाठों पर चिपक जाते हैं। तो कह रहा है कि जो हर चौखट पर, हर कोने पर उल्लू और गीदड़ों की तरह शोक व भय से चिपक जाते हैं, तो उन्हें कभी निराशा से नहीं उबरने देते, ये है खतरनाक रात। ठीक है, तो ये चीजें कवि ने क्या बताया, संवेदनहीनता और निराशा को सबसे बड़ा खतरनाक बताया है। प्रतीकात्मकता है, यानी जैसा सिंबॉलिक भाषा में लिखा गया है, गुंडे की तरह करता है उल्लू बोलते हुआ हुआ में, बिंब बड़ा सार्थक प्रतीत हो रहा है हमें। गीत का मानवीकरण किया गया है और मिर्चों की तरह, गुंडों की तरह में उपमा अलंकार है। आगे चलते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए। तो इसे क्या कह रहा है कि सबसे खतरनाक कौन सी दिशा है, ऐसी स्थिति जिसमें आदमी अपने अंदर की आवाज को सुन ही नहीं पा रहा, यानी आत्मा का सूरज डूब जाए, ऐसा बहुत ही खतरनाक है। और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। अब वो कहता है कि जो ऐसे लोगों में क्या होता है कि धूप की किरणों से आशा की किरण उत्पन्न ही नहीं हो पाती, यानी वो भी मृत प्राय सी ही रहती है, जो अपने ही शरीर की जो शरीर रूपी पूर्व दिशा है उसमें चुभ कर उसको लहूलुहान करती रहती है। अब कवि क्या कहना चाहता है, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। ये तो हमने पहले पद्यांश में पढ़ा था, ये उसका ही रिपीटेशन है। तो यहाँ पर कह रहा है कवि कि अन्याय को सहना ही अगर लोगों ने अपनी नियति मान लिया है तो ये है खतरनाक स्थिति। तो इसलिए ध्यान रखना कि कमाई की लूट, कमाई जो तुम्हारी कमाई है अगर वो लूट जाए तो बड़ा खतरा नहीं है, पुलिस की मार पड़ जाए तो भी खतरा नहीं है। खतरनाक स्थिति तब है जब व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। ठीक है, तो ये है कवि जो है व्यक्ति की संवेदनहीनता को खतरनाक स्थिति के बारे में बता रहा है। आत्मा का सूरज जिस्म के पूरब में रूपक अलंकार है, खड़ी बोली है, सांकेतिक भाषा है, और जो है छंद का प्रयोग किया गया है, यानी मुक्त छंद का प्रयोग यहाँ इस कविता में किया गया है। बहुत सुंदर कविता है, हमें हमेशा अपने जीवन में इस प्रकार की कविताएं पढ़ना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि कोई भी आपके मनोबल को तोड़ ना सके, इस प्रकार के कार्य आपको नित्य करते रहने चाहिए। हमें मारना नहीं है मन को, सदैव अपने मनोबल को ऊंचा रखना है। तो ये था इस कविता का उद्देश्य। अब हम मिलेंगे आपको अगली कविता के साथ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।